आईपीएल का 27वां मुकाबला आज पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के मोहाली स्टेडियम में खेला गया, जहां टॉस के बाद गेंदबाजी का फैसला पड़ा पंजाब पर भारी। कोहली और फाफ ने मिलकर तोड़ी पंजाब की कमर। मोहाली के स्लो पिच पर भी जमकर बरसा रन। कोहली ने एक बार फिर दिखाया अपने बल्लेबाजी का जलवा। वहीं फाफ डु प्लेसी ने भी जमकर लूटे रन। बताएंगे आपको आईपीएल के इस मुकाबले में कैसा रहा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बल्लेबाजी का प्रदर्शन, तो देखिए हमारा ये रिपोर्ट। दोस्तों, मोहाली के ग्राउंड पर खेला गया आईपीएल का 27वां मुकाबले में जब सिक्का उछला तो मोहाली स्टेडियम के मेजबान के पक्ष में गिरा, जिसके बाद कप्तान सैम करन ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जिसके बाद बेंगलुरु की पारी की शुरुआत करने आए विराट कोहली और फाफ डु प्लेसी। वहीं पंजाब की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने आए थे पंजाब के स्टार गेंदबाज अर्शदीप सिंह। तो पहले कुछ ओवरों तक कोहली और प्लेसी ने अपनी टीम को एक सूझबूझ और संभली हुई शुरुआत दी, लेकिन जैसे ही एक बार उनकी नजर जम गई उसके बाद उन्होंने गेंदबाजों को जम कर धोया। बेंगलुरु की तरफ से पहले विकेट के लिए विराट कोहली और फाफ डु प्लेसी ने 137 रन पार्टनरशिप की, जिसमें कोहली ने 59 रनों का योगदान दिया था, तो वहीं फाफ डु प्लेसी साझेदारी में 78 रनों का योगदान दिए। आपको बता दें, इस साझेदारी के दौरान बेंगलुरु का पलड़ा पंजाब के मुकाबले भारी दिखा। वहीं बात क्रिकेट की करें तो पंजाब को उनकी पहली विकेट हरप्रीत बरार के 17वें ओवर में मिला, जब एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में विराट कोहली को जितेश शर्मा ने विकेट के पीछे कैच कर वापस भेजा। विराट कोहली ने अपने 59 रनों की पारी में 5 चौके और 1 छक्का जड़ा था। वहीं बात गेंदों की करें तो विराट कोहली ने 59 रन बनाने के लिए 37 गेंदों का सहारा लिया, जिसके बाद आए ग्लेन मैक्सवेल, जो कि पिछले मुकाबलों में विपक्षी टीमों पर काल बनकर आए थे, वो खाता भी नहीं खोल पाए और उनको अगली ही गेंद पर हरप्रीत बरार अथर्व पांडे के हाथों इन सर्कल में कैच कराकर 0 के नीचे स्कोर पर चलता किए और 137 रन के स्कोर पर ही कोहली और मैक्सवेल का विकेट गंवाकर बेंगलुरु को एक बड़ा झटका लगा था। लेकिन दूसरी ओर से फाफ डु प्लेसी लगातार खेल रहे थे। उन्होंने विराट और मैक्सवेल पर आउट होने के बाद भी गेंदबाजों को अच्छे और लंबे शॉट ठोके और इसी तरीके के प्रयास में फाफ डु प्लेसी नाथन एलिस का शिकार हुए। उनको सैम करन ने बाउंड्री पर कैच आउट करा दिया और उन्होंने अपनी पारी में 56 गेंदों पर 84 रन बनाए थे, जिसके लिए उन्होंने 5 चौके और 5 छक्के का सहारा लिया। वहीं 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए दिनेश कार्तिक और महिपाल लुमरोर ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पारी को आगे बढ़ाने का जिम्मा अपने कंधों पर लिया और कुछ अच्छे शॉट खेलकर बेंगलुरु के इनिंग्स को आगे बढ़ाया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, बेंगलुरु के ओपनर बेंगलुरु को आईपीएल के प्लेऑफ तक पहुंचा पाएंगे? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें।